हेलो हाय गाइस। तो आज मैं आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा। तो मेरा स्कूल लग जाता था सुबह 6:55 को। 6:55 को प्रेयर की घंटी लगती थी। तो हम लोग को सुबह 6 बजे उठ के नहा वहा के पूरा खाना वाना खा के जाना पड़ता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, खासकर ठंड के दिनों में। शाम को क्रिकेट विकेट खेल के आए रहते थे, फिर आके फेंका जाते थे कुंभकर्ण की तरह। फिर 6 बजे मम्मी चिल्लाती थी एक बार कि 6 बज गया, जल्दी उठो। तो हम लोग, हाँ हाँ मम्मी, हाँ, हो गए, उठ गए, उठ गए, फिर सो गए। फिर आधे घंटे बाद 6:45 हो गया, कितने टाइम उठोगे? 6:45 सुनते ही जो आँख खुलती थी, उस टाइम अगर कोई उल्लू देख लेना वो डर जाएगा, हाँ इतना बड़ा। फिर भाग के जाते थे वॉशरूम, समझ में नहीं आता था पहले 2 मिनट तक तो कि ब्रश करें कि नहाएं। तो ऐसे ब्रश करते करते दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी नहाते थे, और फिर बिना पोछे वैसे ही गीले गीले में भाग के जाते थे सीधा किचन से अंदर कि भैया ड्रेस कहाँ है। ड्रेस देख के याद आता था कि अरे यार कल सोचा था कि स्कूल से आते ही धोऊंगा, भूल गया। तो वैसे ही गंदा ड्रेस पहन के, छोड़ो पहन लिए, अब शर्ट पैंट पहन लिए, अब होगी असली प्रॉब्लम शुरू। टाई नहीं मिल रही, बेल्ट नहीं मिल रहा, टाई का बैच कहाँ गिर गया है। और हम लोग थे 3 भाई बहन एक ही स्कूल में, समझ भी नहीं आता था कौन किसका है कौन किसका है। पर मेरा क्लियर था भैया, क्योंकि टाई को नीचे से चूहे ने कुतर दिया था और बेल्ट इतनी पुरानी थी कलर निकल गया था, तो अपना क्लियर था। अब टाई को ले लो, 5वीं तक की जो टाई थी वो मेरे को बहुत पसंद थी, रेडीमेड बंधा बंधाया था, बस ऐसे करके छेद में घुसा दो, बंध गया। छठी से फिर शुरू हो गया बांधने वाली टाई, तो कभी बांधो इधर छोटा और गांठ हो जाता था समोसे जैसा बड़ा, फिर दोबारा बांधो ये लंबा, गांठ हो गया तंदूरी समोसा जैसा छोटा। और मेरे कई दोस्तों की तो टाई इतनी लंबी हो जाती थी साइकिल चलाते चलाते चेन में फंसता था। फिर चढ़ाता था मोजा, मोजा के ऊपर रबड़, और रबड़ इतनी टाइट मतलब निशान पड़ जाए आते आते। रबड़ लगाने के बाद ना खून नीचे नहीं उतरता था उससे, हीमोग्लोबिन दूसरे से कहता ए भाई ये चल नीचे गेट बंद है जा नहीं सकते। फिर जूता उता लगा के साइकिल बाहर निकालता था, जैसे ही साइकिल में चढ़ता था तब याद आता था अरे यार कल क्रिकेट खेल के आया था तब चैन निकल गई थी, लगाना भूल गया था, अब उतर के चैन लगाओ पहले हाथ का ले। और चैन चढ़ाना भी बहुत बड़ा कला है भैया, मेरे कई दोस्तों उतरते नहीं थे साइकिल से, बस ऐसे ही चलते चलते ऐसे पीछे पैडल घुमाते थे, लग जाता था। और इनसे भी बड़े कलाकार हैं लड़कियां, जहां चैन उखड़ा तो किसी भी रैंडम आदमी को भैया थोड़े लगा दोगे क्या, और हम अगर किसी रैंडम आदमी को बोलो भैया थोड़े देखो तो भगवान। तो फिर मैं बोला लेट हो गया भैया जल्दी जाया जा, मैं निकला। तो मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था दुर्गेश, जाते आते उसको आवाज लगाता था कि दुर्गेश जल्दी चल, हाँ हाँ हो गया हो गया। मेरे को लगा मैं लेट हो गया हूँ, वो अभी नहा के निकला है। तो मैं अंदर गया, मैं बोला यार जल्दी करना क्या कर रहा है ऐसे लेट हो गया। कहता हाँ हाँ लेन मैं तैयार हूँ, तू मेरा बेल्ट ढूंढ दे। मतलब मेरा घर थोड़ा पीछे क्या है, मैं अपना भी बेल्ट ढूंढू तेरा भी ढूंढू। फिर बेल्ट ढूंढ के दिया, फिर बोलता है हाँ ले लेन मैं जल्दी पहन रहा हूँ, तू थोड़ा गीला कपड़ा मार दे जूते में। फिर दुर्गेश और मैं जल्दी जल्दी अपने अपने साइकिल में निकले, सोचे कि भाई जल्दी भगाते जाएंगे, लेकिन कहाँ, एक तो सकरी गली और सामने आ जाते थे सुबह सुबह से गाय का झुंड। मतलब गाय का झुंड और हमारे निकलने का टाइम सेम था, पता नहीं हमारे टीचर हमको क्या समझते थे। तो फिर गाय के पीछे पीछे जा रहे हैं, हड़बड़ी भी है लेकिन जाते भी नहीं बर रहा, क्योंकि गाय हैं पूरे गोबर से सने हुए और पूंछ को इधर उधर हिला रहे हैं वाइपर की तरह। और मेरे साइकिल में घंटी नहीं थी, मैं दुर्गेश को बोलता था भाई जल्दी टिन टिन करते करते जल्दी चल, वो आगे निकला रास्ता बनाते गया। अब क्या करते, हड़बड़ी में थे निकलना पड़ा, जो पूंछ मारी है यहाँ गोबर यहाँ गोबर हो। फिर एक झुंड क्रॉस किए निकले, चल चल जल्दी चल, पहुँचते तक दूसरी गली से दूसरा झुंड आ गया। फिर 3-4 झुंड क्रॉस करके हम लोग मेन रोड में पहुँचे, फिर बोले यार जल्दी भगाते हैं खाली ये रोड, लेट भी हो रहे हैं, भगाने लग गए। तभी दुर्गेश में से पूछता है हिंदी की कॉपी कंप्लीट हो गई?
मैं बोला मैडम चेक करेंगी क्या? कहता हाँ पिछले मंडे को बोली थी कि अभी शनिवार को चेक करेंगी। मैं बोला यार मैं तो सोमवार को आया ही नहीं था स्कूल। कहता ओहो इसके ओहो का मतलब समझ रहे हैं आप? हिंदी की टीचर थी त्रिपाठी मैडम, और त्रिपाठी मैडम वो इंसान है जिनसे मैं अपनी मम्मी के बाद सबसे ज़्यादा मार खाया हूँ। मतलब अभी आप मुझसे पूछे तो मेरी और स्कूल में पढ़े सारे स्टूडेंट्स की वो फेवरेट टीचर है, लेकिन स्कूल के दिनों में उनके क्लास में घुसना मतलब अग्निपथ के मांडवों में जाना। खैर त्रिपाठी मैडम के बारे में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, और जब वो वीडियो बनेंगी उसमें इतना मारपीट होगा आपको ऐसा लगेगा जैसे गदर का सीक्वल चल रहा है, बस बोरिंग की जगह हम लोग होंगे। तो फिर ये तो सुन के मेरे को एक मिनट के लिए लगा कि यार साइकिल मोड़ता हूँ घर जाता हूँ, आज नहीं जाता स्कूल। लेकिन प्रॉब्लम ये है घर पे मम्मी है, उनसे ज़्यादा कूटेंगी। तो देखो घर पे मम्मी, स्कूल में त्रिपाठी मैडम। मेरे को समझ में नहीं आता था मेरा नाम हरीश तिवारी क्यों, ऐसा लगता था मेरा नाम होना चाहिए था ढोलक तिवारी। तो फिर सोचा चलो यार देखते हैं जो होगा, चला गया स्कूल पास आया। हम लोग स्कूल से पहले एक दुकान की दीवार में छिप गए, ऐसे झांक के देखने लग गए कि प्रार्थना शुरू हुई है कि नहीं, अगर शुरू हो चुकी है तो जो लेट आ रहे हैं उसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो हम लोग भी सूट से दौड़ के खड़े हो जाते थे लास्ट में, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वेट करते थे थोड़े और इकट्ठे हो जाए लोग। क्या है भीड़ में मार खाओ ना तो बेइज्जती बढ़ जाती है। फिर उस दिन क्या है अलाउ कर रहे थे कि इतने सारे लोग हो लेट हो गए चलो आ जाओ, तो हम लोग जाके खड़े हो गए ऐसे लाइन के लास्ट में। प्रार्थना ख़त्म हुई, अब हमेशा क्या है प्रार्थना ख़त्म होने के बाद लड़के इधर से एक एक करके क्लास में जाते थे, लड़कियां इधर से। उस दिन कोई जा ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा पीछे से कि हो क्या रहा है। ऐसे झांक के देखा तब समझ में आया आज तो शनिवार है, नाखून चेक होना था। मैंने अपने नाखून देखे, ओहो डाक बंगला के भूत की तरह। मेरे को समझ में नहीं आया यार क्या करूं मैं, कुट जाऊंगा। मैंने आजू बाजू देखा, अगल बगल सारे लोग मुंह से ही काटना शुरू टाइपराइटर की तरह, खच 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 खच। मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं भी करूँ, मैं भी शुरू हो गया। लेकिन मेरी बारी आते तक मैं सिर्फ 9 ही काट पाया, अंगूठा बच गया। सर ने चेक किया तो हड़बड़ी में, दिखाओ। हाँ हाँ चलो, हे इधर आ इधर आ, ये क्या है? मैं बोला सर आइडिया थोड़ा लेट से आया, जो घुमा के दिए हैं सर के पीछे, ओहो दिन में अंधेरा छा गया। फिर ऐसे ही जैसे तैसे क्लास में पहुंचा, पूरा ऐसा अंधेरा अंधेरा लग रहा था। बैठा थोड़ी देर में बाजू वाली लड़की ऐसा नाक में रुमाल ठूस के बैठी और एकदम गुस्से से घूर रही। मैं सोच रहा हूँ यार 3-4 झुंड क्रॉस करके आया हूँ, थोड़ी तो गोबर की बदबू आएगी ना। तो बाजू वाले को भी बता रही, आ बहन छी। मेरे को इतनी बेइज्जती लगी, मैं मदन को बोला पीछे बैठा था, मैं बोला यार गोबर की बदबू आ रही क्या, बगल वाली परेशान हो रही। मदन कहता अरे क्या टेंशन लेता है छोटी छोटी बात का, मेरे बाजू वाली को देख रहा है इतनी परेशान है, खुशबू वाली रबड़ सूंघ रही क्या है। आते बराबर मैंने धीरे से फुसफुस करके 3-4 बार छोड़ दिया।